आगरा में जीआरपी ने चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी किया करते थे। थाना जीआरपी फोर्ट स्टेशन के जीआरपी को ये कामयाबी मिली है। पकड़े गए बदमाश बेहद शातिर किस्म के हैं और इनके कब्जे से चोरी के 8 मोबाइल, 2 लैपटॉप बरामद हुए। इसके अलावा 4 चाकू भी इनके पास से बरामद किए गए। पुलिस ने इन सभी चारों बदमाशों को जेल भेज सलाखों के पीछे भेज दिया है। मामला कल रात्रि में हमारी चेकिंग में थे हम लोग, तो टीम को हमारी रात्रि लगभग 12 बजे सूचना मिली लगभग कि वेटिंग रूम में कुछ यात्री मतलब सो रहे थे, कुछ के मोबाइल चार्जिंग पे लगे थे। तो ये चार लोग होने के द्वारा उनके मोबाइल और कुछ बैग उठा के लैपटॉप चुरा लिए गए। इसी सूचना पर आईएसओपी अशनेरा जो यहाँ आए हुए थे और नायक अधिकारी राइज अहमद के द्वारा इनको घेराबंदी कर समय करीब 12:30 बजे इन्हें प्लेटफार्म नंबर 4 से मंदिर के पास ही अरेस्ट किया गया। इनमें रहने वाले अवधेश कुमार और बिजेंदर सोनू खान रमेश कुमार जो एक पालम का हिमाचल का रहने वाला है, एक अलीगढ़ इगलास और एक मऊ आजमगढ़ का रहने वाला है और एक व्यक्ति जो है इसमें ये रहने वाला पूर्व राजस्थान का लेकिन दिल्ली में रहता है। इनसे बरामद से 2 लैपटॉप चोरी किए, 8 मोबाइल और चाकू। ये लोग मतलब इनका कहना है कि चोरी तो 2-3 महीने से चोरी के उसमें थे, लेकिन बेसिकली ट्रेनों में या चार्जिंग पे लगा मोबाइल और अगर बैग रखा है जैसे पैसेंजर की निगाह बसती थी तो उस बैग को उठा लेते थे। शुरुआत का मतलब चोरी काफी समय से करने के लिए पकड़े पहली बार गए इनके अनुसार, लेकिन फिर भी इनके अपराधिक इतिहास की जानकारी की जाएगी। जहाँ के रहने वाले वो संबंधित थाने पे सूचना देके कोई अपराध दर्ज होगा तो उसके बारे में। आगरा से संवाददाता फरहान खान की खबर।